नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मात्र के लेटर की हेल्प से दुर्गा माता जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको दुर्गा माता जी का चित्र बनाना नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, बस आप हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। इस तरह आपको एक के लेटर लिखना होगा। पहले आप बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर के लेटर हम लिखेंगे। के लेटर लिखने के बाद जस्ट इसी के बीच से ही दोस्तों हमें एक छोटा सा लीव्स बनाना होगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक आप यहाँ से ऐसे डबल कर दीजिएगा, ये हो गया डबल। जब आप डबल कर लेंगे तो इसको हम यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, इधर भी आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा। देखिए कितना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। ऊपर के साइड से इधर से हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, पूरा मत मिलाइएगा, इधर से ले जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा। जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसको डबल कर देंगे। डबल हो जाने के बाद एक छोटा सा आप यहाँ पर ऐसे सर्किल बना दीजिएगा। एक लीव्स हम यहाँ पर भी आसानी से बना देंगे। और गाइज, आप कमेंट बॉक्स में जाकर माता दुर्गा जी की जय जरूर लिखिएगा। इसी के नीचे ही हमें छोटा छोटा ऐसे आर्क लगाना होगा। आर्क लगाने के बाद आपको यहाँ से ऐसे मिलाना होगा, इधर भी आप ऐसे आसानी से मिला दीजिएगा। ऊपर के साइड से यहाँ पर बढ़ाएंगे, एक आप इधर भी ऐसे बढ़ा दीजिएगा। जस्ट इसी के आगे के सिरे पर छोटे छोटे आप वी वी लेटर लिख देंगे, इधर भी आप ऐसे आसानी से वी वी लेटर लिखते जाइएगा। जब आप वी लेटर लिख लेंगे तो यहाँ से आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लगाते हुए यहाँ पर के लास्ट वाले सिरे पर मिलाना होगा। सेम आप इधर भी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लगाते हुए यहाँ पर के लास्ट सिरे में लाकर मिला दीजिएगा। अब दोस्तों, आपको सबसे आसान तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से भी आप ऐसे आसानी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। बीच में इधर आप एक छोटा सा पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद ये वाला सिरा आप इधर से ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ से हमें ऊपर के साइड में बढ़ाते हुए मिलाना होगा। जब आप यहाँ पर मिला लेंगे तो आपको बनाना होगा पहले आई। आई बनाने के लिए आप इधर से ऐसे बढ़ाइएगा, ये यहाँ पर मिला दीजिए। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, ध्यान से करिएगा, हल्का सा ऊपर की तरफ करेंगे। फिर इधर से ले जाते हुए यहाँ पर मिलाएंगे, छोटा सा सर्किल बनाकर आप इसको ऐसे डार्क कर दीजिएगा। यहाँ पर भी सर्किल बनाइए, डार्क करिए। ऊपर के साइड में हमें आईब्रो बना देना है, इधर से भी आप ऐसे आसानी से आईब्रो बना देंगे। बीच में एक छोटा सा पॉइंट लगा देंगे। अब दोस्तों, इधर से ही हमें एक लाइन इधर ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाइएगा। थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, तो आप हमारे साथ ज़रूर बनाते रहिएगा। यहाँ से इधर मिलाएंगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। पहले छोटा सा यहाँ पर ऐसे वी लेटर, यहाँ से इधर बढ़ाएंगे, एक यहाँ पर बढ़ाइए, नीचे की तरफ बढ़ाते हुए इधर मिला दीजिएगा। देखिए कितना आसान है। एक आप सर्किल बनाएंगे, छोटा सा सर्किल इस साइड भी बना दीजिएगा। अब आपको इनका ईयर बनाना होगा, इधर से बढ़ाएंगे। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। नीचे के साइड में छोटे छोटे सर्किल बनाकर आप इसको डबल कर देंगे, इधर भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। जब डबल हो जाएगा दोस्तों, जस्ट इधर से ही हमें ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाना होगा, यहाँ से भी आप ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाइएगा। अभी हम आपको दुर्गा माता जी को कलर भी करना सिखाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। इधर से ऊपर की तरफ ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। जब आप डबल कर लेंगे, नीचे के ही साइड में दोस्तों आपको एक लीव्स बनाना होगा, इसको भी डबल करना होगा। यहाँ पर वी वी लेटर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर भी आपको ऐसे वी वी लेटर लिखना होगा। आप चाहें तो हाफ हाफ सर्किल भी बना सकते हैं। ये वाला सिरा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ से भी आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, जस्ट बगल से ही आप यहाँ पर दुर्गा माता जी का हेयर बना दीजिए। ऊपर के साइड से आप यहाँ पर भी ऐसे आसानी से हेयर बना दीजिएगा। इधर एक लाइन, एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक इधर डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद जस्ट बगल से ही आप दुर्गा माता जी का त्रिशूल भी बना दीजिएगा। त्रिशूल बनाने के लिए
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर स्केल का यूज कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा थोड़ा बड़ा बनाइएगा। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको आप पहले डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद एक छोटा सा वी लेटर, ऊपर के साइड से पतला सा एक वी लेटर लिखेंगे, यहाँ से इधर अंदर की तरफ करेंगे और आसानी से आप डबल कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे, यहाँ से हमें डबल करना होगा। एक इधर वी, एक यहाँ पर वी, इसको इधर से ऐसे ओवल शेप बनाइए, यहाँ पर भी बनाइए छोटा सा लाइन, इधर पॉइंट लगाएंगे, सेम ऐसे आप रिपीट कर दीजिएगा। तो गाइज ये हमारे बहुत ही आसान तरीके से के लेटर की हेल्प से दुर्गा माता जी का चित्र बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम दुर्गा माता जी को कलर भी करना सीख लेते हैं। पीछे के साइड में हम एक सर्किल भी बना देंगे, तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं और कलर करना शुरू करते हैं। Thank you.